हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, और मेरा नाम है राहुल सोनी। आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा आप सभी लोग के लिए। आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन का बेहतर इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सप्लोर किए थे। आज फिर उसी टॉपिक पे एक और वीडियो लेके आए हम आप लोगों के लिए। तो आज हम जानेंगे कि ट्रेडिंग व्यू में प्लेलिस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। जो ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है उसमें आप दो प्लेलिस्ट यूज कर सकते हैं, स्टॉक्स के, इंडाइसेज का, और भी बहुत सारे। दो लिस्ट, सिर्फ दो ही लिस्ट यूज कर सकते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कुछ टिक्स फॉलो करके लिस्ट को और बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम चार कर सकते हैं फ्री वर्जन में। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, देखते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे स्क्रीन पे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खुली हुई है। इसमें यहाँ राइट साइड में वॉच लिस्ट बनी हुई है, जिसमें से आप लोगों को दो लिस्ट दिख रही है और तीसरी लिस्ट है डिलीटेड सिंबल। दोस्तों, जैसा कि हमारे फ्री वर्जन में होता है कि हम दो लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैं तीसरे लिस्ट का बारे में बताऊँगा। डिलीटेड सिंबल का यूज़ भी आप वॉच लिस्ट की उपयोग वॉच लिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी स्टॉक्स को हमको ऐड करना है डिलीटेड सिंबल्स नाम से नाम के प्लेलिस्ट में, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाके सर्च करेंगे उस स्टॉक्स का नाम। मान लीजिए हमको ऐड करना है स्टॉक रिलायंस, रिलायंस सर्च करेंगे। रिलायंस को हमने यहाँ से डबल क्लिक करके ऐड कर दिया। ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ लास्ट में ऐड हो गया। अब हमको इसको डिलीटेड सिंबल में ऐड करना है, तो यहाँ से सिंपली जो कट का ऑप्शन आ रहा है इसको यहाँ से कट कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद देखेंगे प्लेलिस्ट के प्लेलिस्ट में डिलीटेड सिंबल में जाएंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि रिलायंस का स्टॉक्स यहाँ पे डिलीटेड सिंबल में प्लेलिस्ट में ऐड हो चुका है। यहाँ पे अगर ऐसे आप डायरेक्टली ऐड करना चाहेंगे तो नहीं ऐड होगा, जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से ऐड होगा। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि वॉच लिस्ट में डिलीटेड सिंबल का उपयोग हम वॉच लिस्ट के तौर पे कैसे कर सकते हैं। अब हम ये सीखते हैं कि हम चौथी वॉच लिस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैं स्टार्ट कर बताने वाला हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। पहले तो हम अपने मोबाइल में ट्रेडिंग व्यू का ऐप डाउनलोड कर लेंगे और उसी ईमेल आईडी, उसी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, जिस आईडी पासवर्ड से हम यहाँ अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में अपना ट्रेडिंग व्यू रन कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम इसे। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, ऐप इंस्टॉल कर रखा है अपने मोबाइल में। तो देखते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। ये है मेरा मोबाइल स्क्रीन। तो दोस्तों मैंने खोल लिया ट्रेडिंग व्यू का ऐप। अब मैं लॉगिन करने वाला हूँ, उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे जिस ईमेल आईडी से मेरा लैपटॉप में ट्रेडिंग व्यू चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, सेम चीज़ें वॉच लिस्ट जो जो मैंने वहाँ पे ऐड कर रखा है यहाँ पे भी आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, जब मैं यहाँ पे लैपटॉप में वॉच लिस्ट के तौर पे यूज करना चाह रहा था, ऐड करना चाह रहा था, क्रिएट न्यू लिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो ये बता रहा है कि आप अपना प्लान जो है अपग्रेड करिए, नहीं हो रहा है। अब इसको हम मोबाइल से अपने करके देखते हैं क्या होता है। मोबाइल में देखिए, स्क्रीन पे देखिए, ऐड लिस्ट दे रखा, ऐड लिस्ट पे हम क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वॉच लिस्ट नेम मांग रहा है, वॉच लिस्ट नेम कुछ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ राहुल, एंड क्रिएट कर दे। क्रिएट करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ राहुल को वॉच लिस्ट नाम से क्रिएट हो गया। अब यहाँ ऐड सिंबल कर देते हैं। मान लीजिए हमने कर दिया रिलायंस, रिलायंस यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारे लैपटॉप में चल रहा था ट्रेडिंग व्यू उसमें ये ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी बहुत ही यूजफुल लगी होगी। तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। वैसे ही और जानकारी भरे वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।